नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु, अरे सौदागर, इतनी जल्दी आ गया? अरे गुरु, एकदम नया माल लेके आया हूँ, ऐसा फल जिसे तोते ने भी चोंच नहीं मारी अभी। पढ़ी लिखी है ना? अरे बिल्कुल। नहीं तो अभी बता दे, कहीं तेरी वो सावित्री बहन की तरह कारीगर तो नहीं? अरे ये तो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, बीए भी पास किया है और एमए की भी डिग्री दे रखी है सुश्री ने। एमए की डिग्री? मगर गुरु, इसे ढोर ढंगर की तरह मत हांकियो, जरा नन्ही से काम लीजियो। हल्लू हल्लू, अगर ये अच्छे घर की है तो इसे नए पैदा हुए बछड़े की तरह हाथ लगाऊंगा। जा जल्दी ले। अबे ये क्या कर रहा? अरे जल्दी में ब्रेक लग गया, धक्का मार। आओ बहन जी, अंदर आ जाओ, अपने ही घर समझो। आ जाओ अंदर, बढ़ लो बढ़ लो अंदर को। लता तू? अरे तुम बजरबट्टा। अरे फिर गया लट्टू, पहले से एक दूसरे को जानो हो क्या? अरे अच्छी तरह जानते हैं, अगर उस दिन इस रेलगाड़ी में मेरी मदद न की होती तो गार्ड बाबू ने मेरी आंटी में हाथ डाल दिया होता। आंटी से याद आया गुरु, थमा दो दोस्तों का चिल्लर। चिल्लर कैसा, हम तो इसे खुद अच्छी तरह जानते हैं। पहले से लगी लगी हुई है, निकल ले सौदागर। और सुनो, जाते जाते लता के लिए चाय बोलते जाना। बड़ी करारी आवाज में बोला, इतनी जल्दी हवा लग गई शहर की, अपन भी लग गए सुसरे। आ लता बैठो, तुम भी यहाँ शादी करने आई हो? अरे तुम यहाँ शादी करने आए हो? और नहीं तो क्या, तुमने रेडियो पे हमारा ऐलान नहीं सुना था कि हम शादी करेंगे तो गांव के मुखिया की बेटी पार्वती से? हाँ सुना था, मगर उस कमीने मुखिया ने बाद में इनकार कर दिया। हमें जोश आ गया और हमने बिड़ा उठाया और कहा कि मुखिया की बेटी किस खेत की मूली है, हम उससे ज्यादा सुंदर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके दिखाएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ शादी करने आए हो? मैं शादी से भाग कर आई हूँ, वहाँ मुझे जबरदस्ती किसी जालिम के पल्लू से बांधा जा रहा था। फिर वो बजरबट्टू कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में? था एक शैतान जिसे मैं शरीफ समझती थी, वो मुझे रास्ते में उल्लू बनाकर मेरे सारे जेवर उठाकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा हाँ। लेकिन वो तो बड़े लोगों की तरह ऊंची हाँक रहा था, वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसका चूरमा ही बना डालूं। लेकिन छोड़ो उस कमीने की बात, लो चाय पियो। पता नहीं तुमने कब से चाय नहीं पी। तुम भी पियो। मैं? हाँ 50-50। मतलब आदि आदि। Darling, how was the movie? Oh, fine. Oh, my darling, you're such a good boy, you know. La la la. Oh, please. Maki Babu, Maki Babu, you need to go Prasad. Prasad? Huh? Aram ko mil gaya tu. Chau chau. Kaun hai tu? Tera Babu Banjar Pattu. और ये कहने आया हूँ बरखुरदा, अपनी माँ के कंधे से हाथ हटा और इसी तरह वो माल वापस कर दे जो तू चुरा कर लाया। कौन सा माल, क्या बोलता है तू? अभी दिखाता हूँ, इधर वही माल जो कल इसके गले में था, कान में था, हाथ में था और इस वक्त तेरे कब्जे में। क्या बकवास करता है, न मैंने कभी तुझे देखा है और न इसे। प्रसाद तुमने कभी मुझे देखा तक नहीं? छोड़ इसे, मालूम होता है इस बजरबट्टू की नजर कमजोर हो गई है और ऊपर का लालटेन बुझ गया है। बच्चू हमें बुझा हुआ लालटेन जलाना खूब आता है। लगता है तुम मरने के लिए आया है बेटा, ले जला। बाकी बाबू, बाकी बाबू क्या हुआ? तू बजरबट्टू समझा था मैं मर गया? अरे वो सुरमा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने बाके पे हाथ उठाया और जिंदा रहा। तूने अपनी सहरी ताकत दिखाने थी दिखा ली, अब जरा बच्चू गांव का जोर देख। ले बेटा, संभाल सकता है तो संभाल। Yeah.
फिर कभी ऐसा धोखा फैले किया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा और फिर तेरी खाद बनाकर सारे खेतों में डाल दूंगा। हाँ माफी मांग अपनी माँ से और फिर अपने बाप से। माफ करो माता जी, आप भी बापू जी। खोर कहीं का, ये लो बस खोल कर देख लो जबर बराबर है कि नहीं, नहीं तो मैं फिर जाकर उसे बराबर कर दूंगा। तो मेरी तरफ क्या देख रही है? ये खिड़की क्या कर रही है? अरे मेरा ठट्टा उड़ा रही हो? नहीं, मैंने जेवरों की बात की और तुम ही करने लगी। क्योंकि इस वक्त तुम मुझे जेवरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अरे अब तुम खिड़की क्यों कर रहे हो? अब तुम मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो? नहीं, जब मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो तुम हंसे क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। हाँ? हाँ? तो हम दोनों ब्याह कर ले? हाँ। लेकिन हमारी शादी के बारे में संग्राम सिंह को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हमारे मुखिया को जरूर पता लगना चाहिए। हाँ। वो जलापे से राख हो जाएगा, जैसे विजयदशमी के दिन रावण जल के राख हो जाता है। मैं शादी का सामान लेकर अभी आता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अकल की बात की। बजर बट्टू, अभी तुमने हमारी अकल देखी कहा है? तो आराम कर, मैं ये गया और ये आया। जल्दी आना। हवा किधर आता हूँ। ये देखो साड़ी, नारियल, हल्दी, बिछुए, सिंदूर और मंगलसूत्र। अरे वाह, तुम तो औरतों से भी बढ़ गए। हल्दी, सिंदूर, बिछुए, मंगलसूत्र तक नहीं बोले। और नहीं तो क्या, गांव पहुंचते ही माँ के पांव छू के फटाफट तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के ये मंगलसूत्र पहना दूंगा और फिर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना लूंगा। ये क्या, ए बस की ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, क्या कहा? पुलिस आई है? अरे पुलिस आई है तो मैं इस लड़की को क्यों बाहर निकाल दूं? पुलिस कमरों की तलाशी ले रही है। जिस कमरे में कोई गैर शादीशुदा लड़की मिलेगी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। आपके कमरे में जो लड़की मौजूद है उसे फौरन चलता कीजिए। क्यों चलता करूं साहब, हम नहीं करेंगे। बजर बट्टू कहने का। क्या कह रहे थे मैनेजर? कह रहा था कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूं। क्यों? क्योंकि पुलिस होटल में बिना शादी की लड़कियों को पकड़ रही है। क्या होगा? अरे तुम काहे को डरती हो, हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, करने वाले तो है। ये कौन खटपटी दरवाजा ठोक रहा है? अभी देख कर आता हूँ। क्या है बजर बट्टू? जल्दी कीजिए, लड़की को बाहर भेज दीजिए, पुलिस ऊपर आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो ना, ये कोई आवारा लड़की नहीं है, हम इससे शादी करने वाले हैं। हाँ। अजीब बीबी और खोने वाली बीबी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों इस बेचारी को हवालात में भिजवाते हो? अब भी वक्त है, जाने दो, जाने दो इसे। हेलो हेलो, यहाँ तो सचमुच पुलिस आ गई, एक लड़की को भी पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे 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 अरे, तुम तो रोने लगी। देखो देखो, एक तो पहले हमारा दिल कमर गिरने पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम आंसू का गदक डाल रही हो। क्या करूं? हाँ, तुम जल्दी से जोड़ा पहन लो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से पहन लो। अरे बजर बट्टू, तुम तो सचमुच की दुल्हन बन गई। लड़की साहब का क्या रिश्ता है? रिश्ता हमारी तरह सीधे है, ये हमारी बीबी है और हम इसके पति हैं। सबूत? सबूत? सबूत ये मौजूद है। माफ कीजिए, हमने आपको खाम का परेशान किया, सॉरी। चलो, खाम खा परेशान करने आ जाते हैं। अरे तुम उदास क्यों हो गए? गांव में होते हंसते रोते, माँ खुश होती फूल पिरोती,
सेहरा बनता बाजा बजता मेला लगता घर आंगन में मन की बातें रह गई मन में। तो क्या हुआ तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। मेरे मन की ये टोली मेरी सुंदर दुल्हन की बिन बाराती घोड़ा हाथी बिन बाराती घोड़ा हाथी ये बारात सजाई रे। इन सब का क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का सामने बंसी बजाई रे। तू लिखी पढ़ी कैसे अपनी आंख लड़ी मैं अनपढ़ तू लिखी पढ़ी कैसे अपनी आंख लड़ी तू शहरी मैं देहाती कैसे बन जीवन साथी। सबका क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सबका क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। कल करना बाकी बातें रोज कहाँ ऐसी रातें यूं मत देखो आंचल छोड़ो यूं मत देखो आंचल छोड़ो तू मेरा राम दुहाई रे। इन सब का क्या काम वहां जहां शाम ने बंसी बजाई रे। तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या महर्षि व्यास लिखते हैं महाराज पांडु के घर में पांचों पांडु पैदा ना होते तो भारत कहाँ से होता महाभारत कहाँ से होती। कुंती कुंती हाँ हाँ कुंती क्या बड़ी अच्छी चरित्र वाली देवी थी। कुंती माँ बन गई और पोंडा राजा ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो शर्म करो भगवान पांडु महाराज का नाम ऐसा अनादर से लिया जाता है। अरे मैं तो उनका नाम बड़े आदर से ले रही हूँ। आजकल ऐसा महापुरुष कहाँ मिलता है
जो अपनी पत्नी को संतान का दान मांगने दूसरों के घर भेजते। क्या मतलब? मैं भी। हाँ। चुप। तू समझती कि मैं पांडु राजा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझसे ही भूल हुई है, तेरे सामने महाभारत जैसा ग्रंथ खुल के बैठ गया। मुझे तो इसमें कोई भूल नजर नहीं आती। भूल नजर नहीं आती? अरे ओ, कुंती बड़ी चरित्रवान देवी थी, पति को परमेश्वर मानती थी। तो क्या मैं चरित्र वाली नहीं हूँ? मैं तुम्हें परमेश्वर नहीं मानती। हाँ मानती है, मानती है। बैठ, अरे भगवान, देवी देवताओं के नियम कुछ और है, हमारे कुछ और। यहाँ टैक्स भरना पड़ता है, पुलिस स्टेशन है, और वो बीबी होती हुई भी थोड़ा स्त्रियों के साथ संबंध रख सकते थे। अगर हम उस रास्ते पे चले तो हमें सीधा जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि हम मनुष्य हैं। और मैं तो उस जमाने की कथा सुना रहा था। तो क्या हुआ, इस जमाने में कौन सा फर्क पड़ा है? अपने वो सामने वाले घर को ही देखो ना, धनलक्ष्मी को उसके बड़े लड़के की शक्ल गांव के ठेकेदार से मिलती है और छोटे लड़के की साहूकार से। अब बोलो। अरे अकल की कच्ची, एक माँ से पैदा हुए सब बच्चों की शक्ल एक जैसे थोड़ी हो सकती है। किसी के बंदर जैसे हो सकती है, किसी के गिरगिट जैसे हो सकती है, किसी की। तुझे बच्चा चाहिए ना, लेकिन जल्दबाजी मत करना, मैं पूरा विचार करूंगा। तो फिर चलो ना। कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था ना पूरा विचार करोगे। अभी विचार करूंगा थोड़ी कहा था मैंने, अभी तो मुझे पड़ोस के गांव जाना है इस महाभारत को लौटाने, और उस पंडित से जरूर कह के आऊंगा इस महाभारत को वहां कभी ना देना जहां बच्चे ना हो। मैं जब भी ये बात कहती हूँ ये बाहर चले जाते हैं। फुलरानी जी, फुलरानी जी, फुलरानी जी का घर यही है? हाँ यही घर है, और फुलरानी मेरा ही नाम है। वाह वाह, माँ बाप ने जैसा नाम रखा ऐसे अल्लाह ने नूर भी दिया है, ऐसे ही अल्लाह ने खुशबू भी दी है। तुम हो कौन? जी मेरा नाम सलीम है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ, पेशे से दर्जी हूँ। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यह रोजी की तलाश में चले आया। अगर आप मेहरबानी कर आपके बरामदे में मुझे अपनी मशीन रखने की इजाजत दें तो मैं अपना धंधा शुरू कर सकता हूँ। सारे गांव में तुम्हें मेरा ही बरामदा पसंद आया और कोई नहीं मिला? मिले मोहतरमा मिले, बगल वाली गली में जमुना देवी मेहरबानी करने को तैयार थी, लेकिन उनकी जगह मुझे कुछ जची नहीं। चौथी गली में गंगा रानी, वो भी तैयार थी, लेकिन उनकी जगह कुछ तंग है। आपकी जगह बहुत अच्छी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने कपड़े सीने की दुकान यहाँ शुरू कर दूं। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपका ये सूना घर बाल बच्चों की आवाज से गूंज उठेगा। सर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं जरूर माँ बन जाऊंगी। तुम अपनी मशीन यहाँ रख दो और अपना काम शुरू करो। शुक्रिया मोहतरमा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए गाड़ी वाले, हमारा मशीन यहाँ पर फिट कर दो। फुलरानी जी, मेरे पास कपड़ा है और मैं चाहता हूँ कि बोनी आप ही से हो, तो मैं आपका फर्स्ट क्लास ब्लाउज और चोली सी दूंगा। पकड़िए, आपका नाप लेना होगा। अरे भाई सौदागर मल, बैसाखी के बखत हमारे गांव में जरूर आना, वहां ये त्योहार किस धूमधाम से मनाया जाता है तुम्हें क्या बताएं, और फिर गांव में हमारी शान देखना, सौकत देखना, ठाट देखना, वहां तुम अपनी बहन से कुछ इनाम भी मार सकोगे। अरे क्यों नहीं, अब तो रिश्ते की लगी लग गई, साला हो लिया मैं तुम्हारा। सौदागर मल, हम बड़े शुक्र गुजार हैं तेरे, ये कह रहे आए थे शहर में दोहरे होकर जा रहे हैं, ये अच्छा का काम तुम्हें किया भाई। अरे जिंदगी में यही तो एक अच्छा काम कर गया मैं, और कर भी कहां गया, सुसरा हो गया, भूल भुलक के मैं। अरे सीढ़ी बच गई, लपक लो डिब्बा, लपक लो डिब्बा। सौदागर मल, बैसाखी के बखत गांव में जरूर आना। आऊंगा आऊंगा, मगर एक शर्त है, अकेले आए थे अब दुकेले होके जा रहे हो, जब मैं गांव में आऊं तो तीसरा होना चाहिए मुझे मामा कहने के लिए। सौदागर मल, अभी गाड़ी चली नहीं? नहीं चली तो मैं क्यों चले आऊं? अरे अरे खुशी में बावला हो गया मैं। अरे अरे इंजन ड्राइवर फिरकी फिरा, अरे झंडी लगा, देखिए झटका लगा, चली गाड़ी। लता, ये तुम्हारा घर है? ये तो बड़ा शानदार है, ऐसे लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, जिस घर से तुम भागकर गई थी उसमें वापस आने का मत बल। अरे मैं अपने घर से नहीं,
एक जुल्म के घर से भाग कर गई थी और अब वापस आई हूँ अपनी माँ का आशीर्वाद लेने। शादी तो कहीं भी हो सकती है किसी की, लेकिन विदाई तो मैके की चौखट से ही होती है। तुम्हें जरा भी शर्म होती तो तुम वापस कभी ना आती। अपनी मांग में लाली भरकर हमारे मुंह पर कालक पोतने आई हो। कालक कैसे? मैंने पाप नहीं किया है माँ, ब्याह किया है। ब्याह कहाँ किया है? ब्याह होटल के कमरे में। होटल के कमरे में? होटल के कमरे में पाप हो सकते हैं, ब्याह नहीं। यही सुनने के लिए यहाँ आई थी लता। हमें तो यहाँ आके मालूम हुआ कि महलों में रहने वाली माओ के मुंह से सांप की फनकार निकल सकती है, आशीर्वाद का सबब नहीं। चलो लता। ठहरो नौजवान, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। औरतों ने जो कुछ कहना और सुनना था वो कह भी लिया और सुन भी लिया। अब दो बातें दो मर्दों के दरमियान भी हो जाए तो क्या हर्ज है? तुम एक मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर आ सकते हो? नहीं नहीं बांके, इसके साथ हरगिज नहीं जाना, तुम इसे नहीं जानते। छोड़ो लता, मैंने बड़े बड़े मुजोर बैलों को सिंह से पकड़कर जमीन पर दौरा कर दिया, फिर इसके सर पे तो सिंह भी नहीं है। ये वो चीज है जिससे दुनिया हर रोज खरीदी जाती है और बेची जाती है। तुम मुझसे क्या खरीदना चाहते हो? एक झूठ मूठ की शादी जो एक होटल के कमरे में जैसे हुई जैसे ना हुई। मैं चाहता हूँ तुम जो रुपया ले लो और लता को हमेशा के लिए भूल जाओ। ए बजर बट्टू, ये रुपया किसी और को दिखाना, तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हम अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचना जानते हैं, ये दुकानदारी नहीं जानते। अपनी ब्याहता बीवी का सौदा तुम्हारे खानदान में होता होगा शायद। हमारे खानदान में एक चीज और भी होती है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो इंसान हमारा रास्ता काटने की कोशिश करता है वो रास्ता पूछने के लिए भी जिंदा नहीं रहता। देखो, मैं एक शरीफ इंसान हूं, इसलिए पहले मैं तुम्हें जिंदगी और जिंदा रहने का सामान पेश कर रहा हूं। अगर तुम्हें इनकार है तो मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं खड़ी है। अगर तुम चाहो तो अभी ये रुपया ले सकते हो। हाँ, रुपया तो मैं अभी ले सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को बेचने के लिए नहीं, तुम जैसे कुत्ते के मुंह पे मारने के लिए। नीचे हड्डी ऊपर चमड़ी, बीच में से गोश्त गायब। ए गोश्त वाले, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने बेटा पैदा किया था या पतंग तैयार किया? अरे, हो, नाप लेता हूँ, गुस्से मत होइए। अरे सीधे खड़े रही, अरे आप तो पतंग की जैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो कपड़े निकालो। नहीं, अरे ये कपड़ा नहीं जो सिलाई का कपड़ा निकालो। नहीं लाए, जाके ले आओ। अरे चार दिन में ऐसा बढ़िया कमीज बना दूंगा ना कि पतंग से पहलवान नजर आओगे। जाओ। तुम मुझे जाओ कहने वाले कौन हो?
लगता है मैंने आने में जरा देर कर दी। आने में तो देर कर दी लेकिन जाने में तो देर न कर बे। बे, बे किसे कह रहा है? अरे अल्लाह का शुक्र कर, मैंने तुझे सिर्फ बे कहा है, अलीफ नहीं कहा। अरे अलीफ की औलाद, तू जानता है तू किससे बात कर रहा? अरे तो फिर तुम ही बता दो। बताऊं? मैं कोल्हापुर के मशहूर पहलवान रुस्तम जमा बब्बर राव का अकेला बेटा हूँ और इस घर का अकेला घर दामाद। संभालो संभालो संभालो। अरे अल्लाह तेरी शान, बब्बर पहलवान ने बेटा भी पैदा किया तो ये तिनका, और घर वालों ने घर दामाद ढूंढा तो बेरंग लिफाफा। अबे लिफाफे के बच्चे, उठाइए मशीन, भाग जाइए वरना इस मशीन से मैं तेरी सिलाई कर दूंगा। तू अगर कोल्हापुरी है तो मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का हूँ, समझा? सलीम, ये क्या किया तुमने? ये मेरे पति हैं। हो हो, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। लेकिन शक्ल से तो ये घर का मालिक लगता ही नहीं। तो क्या लगता हूँ, घर का नौकर लगता हूँ? ये अंगूठे नजर नहीं आई तुझे? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं बाद में माफ करूंगा, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इस दर्जी को मेरे घर में दुकान खुलने क्यों दी? इसने एक बात कही और मैं मान गई। कौन सी बात? इसने कहा इसके कदम ऐसे हैं कि ये जहाँ जाता है सुने आंगन संतान से भर जाते हैं। भर जाने दो। नहीं, नहीं। जी हाँ जी हाँ, बात कुछ ऐसी ही है। अरे तुम तो यही कहोगे, चलो। जाती हूँ ना। अरे चलो अंदर। क्यों मारते हो? जाती हूँ ना। चलो। अल्लाह बच गया। डाकू मैं नहीं, डाकू वो है जो वहाँ आराम से बैठा हुआ है। डाकू कौन है इसका फैसला अदालत करेगी, आप वकील साहब के सवाल का ही जवाब दीजिए। आपका बयान है कि आप उस घर में डाका डालने नहीं, अपनी बीवी को उसकी माँ से मिलाने गए थे। मैं पूछता हूँ, जब आपकी शादी नहीं उससे तो आपकी बीवी कैसे हुई? मैं आप पूछता हूँ, तुम कौन हो ये बोलने वाले? मिस्टर बांकेलाल नाराज ना होइए, ये बताइए ये सच है या नहीं? वो बात नहीं है बड़े वकील साहब, ये तो ऐसी बात करते हैं जैसे मेरी शादी के बारे में ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वकील ऐसे ही सवाल पूछते हैं? लगता है इन्हें और कोई काम नहीं, जब तो ऐसे उठपटांग सवाल पूछते हैं। साहब आप नाक घुमा के क्यों पकड़ते हैं? आप सीधे मेरी बीवी से पूछ लीजिए, हमारी शादी हुई या नहीं हुई। विथ योर परमिशन योर ऑनर। मिस्टर बांकेलाल खफा मत होइए, हम उनसे बाद में पूछ लेंगे, पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपने लता से शादी की या नहीं। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ साहब, बंसी वाले के सामने इसे शादी की है मैंने। लता जी, इन्होंने आपसे शादी की? जी नहीं। लता, लेकिन मैंने इनसे शादी की। योर ऑनर, ये कभी नहीं कहती है कभी हाँ कहती है, मुझे तो इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं लगता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर सरकारी वकील का ये ख्याल है कि गवाह का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है तो डॉक्टरी मुआयना करा सकते थे। ये बात हमें गवाह के कोर्ट में आने के बाद मालूम हुई, आप अभी डॉक्टर को बुलाकर इनके दिमाग का मुआयना करा सकते हैं। पहले तुम अपने दिमाग का मुआयना कराओ कि वो ठीक है कि नहीं। मिस्टर बांकेलाल आप खामोश रहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लता का बचपन से इलाज करता रहा है उसे एक और गवाह के तौर पर पेश करो। इजाजत है? प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर टोपी वाला, डॉक्टर टोपी वाला, डॉक्टर टोपी वाला, आप लता को कब से जानते हैं? बहुत परसों से। उनके दिमाग के बारे में आप क्या जानते हैं? जब ये 7 साल की थी इन्हें पागलपन की बीमारी हुई थी, और अब ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें इस बात का भी होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। मैं अभी साबित किए देता हूँ, देखिए किस तरह चमगादड़ की तरह फड़फड़ा रही है। लता बेटी, लता बेटी, लता बेटी, लता, लता। अदालत बड़े गौर के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर बांकेलाल और मिस लता की शादी कानून की नज़र में शादी नहीं मानी जा सकती। मिस्टर बांकेलाल का बयान इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि शादी का कोई गवाह मौजूद नहीं, और मिस लता का बयान तो बयान ही नहीं समझा जा सकता, वो एक पागल का बयान है। इसलिए ये अदालत इस शादी को रद्द करते हुए ये हुक्म देती है कि मिस लता को उसकी माँ के सपुर्द किया जाए।